नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देखें ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, एक बहुत अच्छी खुशखबरी है और एक ऐसी बात जो अभी तक नहीं हुई, इतनी बेहतरीन न्यूज जो आप सुन के खुश हो जाएंगे। हमारे दो मेंबर्स, ट्रिपल बी फैमिली के दो मेंबर्स, मिस्टर राजेश वर्मा, मिस्टर सागर बहादुर चंद, इन लोगों का वीजा आ चुका है, इनका आई पी लेटर आ चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इनका सिलेक्शन BMW में हुआ। BMW इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज PT LTD कंपनी, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड लेवल की कंपनी है, उस कंपनी में इनका सिलेक्शन हुआ है, BMW में, जो कि आप लोग जानते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है। इस कंपनी में उन दोनों लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ट्रिपल बी फैमिली के दो लोग, मिस्टर राजेश वर्मा, मिस्टर सागर बहादुर चंद। इन दोनों लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये बहुत अच्छी अचीवमेंट वाली बात है। और देखा जाए, जिसके लिए एक मन में बहुत सी उम्मीदें थी, जिसके लिए इन लोगों ने धैर्य रखा, ट्रेनिंग की, और उसके बाद में सर्टिफिकेट आया, ट्रेनिंग को पास किया, सर्टिफिकेट आया, हमने वीजा अप्लाई किया। तो दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको अपडेट करने वाला हूं, मैं कि दोनों लोग उत्तर प्रदेश से हैं। और पहले हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया था कि यूपी और बिहार के लोगों का वीजा नहीं लग रहा है। एक्चुअली बीच में हमारे लोगों के अभी तक 6 लोगों के वीजा रिफ्यूज हो चुके हैं यूपी और बिहार के। 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 2022 में यूपी और बिहार की PCM कैटेगरी के 6 लोगों के वीजा रिफ्यूज हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमने यूपी और बिहार के लोगों की फाइल लेना बंद कर दिया था। और तब से हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे कि कैसे हो कि इनका वीजा अप्रूवल आना चाहिए, जिसके लिए हमने काफी मेहनत की है, काफी तरीके से स्टडी की है, अलग अलग तरीके से स्टडी की है, MOM के ऊपर वर्कआउट किया, हर चीज के ऊपर वर्कआउट किया कि कैसे भी हो कि वीजा लगना शुरू होना चाहिए। और हमारे जो भी ट्रेनिंग में कैंडिडेट्स थे, उन लोगों ने इसके ऊपर मेहनत की और वो लोगों ने अपनी अपनी ट्रेनिंग को सक्सेसफुली किया, पास हो गए, और फिर हमने वीजा अप्लाई किया। रिजल्ट आपके सामने है, दोनों लोगों का सिलेक्शन हुआ। वो एक वर्ल्ड लेवल की कंपनी है, BMW इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज PT LTD। दोस्तों, इतनी बड़ी कंपनी में सिलेक्शन होना एक खुद में ही गर्व वाली बात है, इसलिए उन दोनों लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब यहां पर मैं आगे आपको क्या अपडेट करने वाला हूं कि जो लोग यूपी बिहार के लोग हैं, जो लोग अप्लाई करने वाले थे वीजा के लिए, यूपी बिहार बंगाल तीनों स्टेट के लिए बात कर रहा हूं मैं, जो लोग सिंगापुर में वर्क परमिट के लिए प्रोसेस करने वाले थे लेकिन PCM कैटेगरी में उनका वर्क परमिट नहीं हो पा रहा था, उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि वो लोग अगर ट्रेनिंग करते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए लाभदायक होगा, लाभकारी होगा, उनका वीजा लगेगा और उनको सिंगापुर जाने का मौका मिलेगा। दोस्तों, जो ट्रेनिंग वाला पॉइंट है, SCC ट्रेनिंग, SCC स्किल एवेल्यूशन सर्टिफिकेट ट्रेनिंग जो है, इसके ऊपर अगर देखा जाए तो इस ट्रेनिंग में जो लोग जाएंगे उनको 4 लाभ मिलेंगे जो कि PCM कैटेगरी में नहीं मिलेंगे। पहला लाभ ये होगा कि उनके पास चॉइस होगी, उनके पास चॉइस मीन्स उनके लिए हमारे पास चॉइस होगी कि हमारे पास एक एम्प्लॉयर नहीं होगा, 3-5 एम्प्लॉयर होंगे, वहां पर उनका वीजा अप्लाई होगा और अप्रूवल भी होगा। सबसे पहला फायदा होगा जो ट्रेनिंग में जाएंगे उन लोगों को, सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि जो चॉइस होगी उनके पास में मल्टीपल चॉइस होगी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन होगा जो कंपनीज होगी वो वर्ल्ड मीन्स सिंगापुर की टॉप मोस्ट रेपुटेड कंपनी होंगी, जैसे BMW है, तो BMW देखा जाए तो बहुत रेपुटेड कंपनी है, सिंगापुर ही नहीं वर्ल्ड लेवल पर बहुत बड़ी कंपनी है। वैसे ही सेम मीन्स और भी बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं जो सिंगापुर में है और टॉप मोस्ट कंपनीज है, उनमें इनका प्रोसेस होने के चांसेस होंगे, हमारे पास ऑप्शंस होंगे। तीसरा पॉइंट होगा सैलरी पैकेज होगी, जो PCM में सैलरी मिलती है उससे सैलरी बढ़कर मिलेगी, इन लोगों को भी सैलरी बढ़कर मिली है, ये भी बहुत अच्छी अचीवमेंट है जो कि उन लोगों को मिल सकता है जो लोग ट्रेनिंग में जाने वाले हैं। और चौथा लाभ ये होगा कि PCM के सर्विस चार्ज से इसका सर्विस चार्ज कम होगा और उसमें भी ट्रेनिंग का कॉस्ट भी इसमें शामिल होता है, ट्रेनिंग का जितना भी कॉस्ट होगा वो ट्रेनिंग का पूरा कॉस्ट प्लस सर्विस चार्ज, टिकट, सब कुछ मिला के इसमें PCM के सर्विस चार्ज से कम अमाउंट होगा। ये चारों लाभ उन लोगों को मिलेंगे जो ट्रेनिंग में जाने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कैसे हमारे लोगों का जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो, सर्टिफिकेट हाथ में आए, उसके बाद हम वीजा एप्लीकेशन शुरू करें। अभी देखा जाए तो 22 तारीख को ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, 23 तारीख को सर्टिफिकेट मिला और वीजा एप्लीकेशन हुआ, आज हमारे पास में वीजा है। वीजा अप्रूवल एक्चुअली कल शाम को ही हो गया था। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात है, जो लोग भी सिंगापुर जाना चाहते हैं, 20 साल से लेकर 39 साल में 22-39 ईयर की एज होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, पासपोर्ट में 20 महीने की वैलिडिटी होना चाहिए,
20 मंथ्स की वैलिडिटी जरूरी है, 2 साल होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 20 महीने की वैलिडिटी होना जरूरी है। मेडिकली फिट हो, फिजिकल फिट हो और उनको एक्सपीरियंस हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया ऑब्वियसली उनको लॉन्ग मीन सिंगापुर में प्लानिंग करना होगा। जो लोग इंटरेस्टेड सिंगापुर जाने के लिए, सिर्फ सिंपल क्राइटेरिया है 20 से 39 की एज में एज होना चाहिए, पासपोर्ट वैलिडिटी होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए, सिर्फ इतना ही क्राइटेरिया है, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट से हों, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के बीच में कहीं से भी हों, गुजरात से लेकर असम के बीच में किसी भी राज्य से हों, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा कोई मैसेज नहीं है जिसमें कि यूपी और बिहार के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोगों के अंदर मायूसी छा गई थी कि यूपी और बिहार का वीजा नहीं लगेगा, लेकिन यूपी और बिहार का वीजा लगा, अभी लगेंगे, जितने लोगों का अभी प्रोसेस में है, अभी और भी लोग हैं जिनका वीजा लगने वाला है, जिन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट की है, जिनका वीजा लगेगा वो लोग भी, उनका भी वीडियो हम अनाउंस करेंगे, उनकी भी कंपनी अच्छी होगी, हम आपको शेयर करेंगे, हमारे पास में चॉइस रहेगी, उसके हिसाब से हम आपको अपडेट करते जाएंगे। अभी हमारे पास में जो भी आने वाले दिनों में जैसे भी हमारे पास सर्टिफिकेट्स आना शुरू हो जाएंगे, वैसे वैसे वीजा एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा और उनका वीडियो अपडेट आपको मिलता रहेगा। सो दोस्तों, जो लोग भी इन 4 लाभों को प्राप्त करना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, वो लोग डेफिनेटली ट्रेनिंग के लिए तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि ट्रेनिंग के लिए जो अनलिमिटेड कोटा है वो 31 जुलाई तक जो लोग हमारे पास अप्लाई करेंगे, सिर्फ उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि 1.5 महीने का टाइम, 1.5 महीने से भी कम का टाइम है। इस पीरियड में जो लोग भी एनरोल करेंगे, जो लोग भी अप्लाई करेंगे ट्रेनिंग बैच के लिए, सिर्फ वो लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि अभी जो लोग प्रोसेस करेंगे मार्च महीने से लेकर सितंबर महीने के बीच में जो टाइम है, इस पीरियड में सिंगापुर गवर्नमेंट ने जो कोटा है वो अनलिमिटेड कर दिया था, अनलिमिटेड कोटा हो गया था। आप मान लीजिए कि अनलिमिटेड कोटा का जो समय है वो 31 जुलाई तक है, आप जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आपका जो मिस संख्या जो एक बोलते जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सिक्योर हो जाएगी, आपकी सीट सिक्योर हो जाएगी आप अभी अप्लाई करेंगे तो। लेकिन मैक्सिमम 31 जुलाई तक अप्लाई करेंगे तो इसमें हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद का एनरोलमेंट नहीं हो पाएगा। और जैसे भी हमारे पास संख्या इनफ हो गई है उसके बाद हम आपको अपडेट कर देंगे, क्योंकि इसमें कोटा तो लिमिटेड अनलिमिटेड किया, लेकिन हमारे पास में सीट्स भी इम्पोर्टेंट हैं। अभी हमारे पास में जो सीट्स हैं, ये मान लीजिए कि जो भी अभी अप्लाई करेंगे, लगभग हम 600 लोगों की वैकेंसी है, हम 600 लोगों की वैकेंसी पर ये मान लीजिए अभी 2 अलग अलग बैच बनाएंगे तो 200-200 लोगों का बैच तैयार कर सकते हैं, 200-200 का 2 बैच बना सकते हैं। और ये 2 बैच के बाद फिर बाद में ये कोटा कम हो जाएगा, क्योंकि अभी जो छूट मिली थी वो सेप्टेम्बर तक छूट मिली थी, सेप्टेम्बर में जिनका टेस्ट होगा तो तब तक के लिए छूट मिली थी, और उसके बाद जो कोटा रहेगा ना, ऑब्वियसली हमारे पास में जैसी कंडीशन होगी वैसे हम करेंगे। जो गवर्नमेंट का कोटा पूरे इंडिया के लिए 600 का कोटा मिलता है, पूरे इंडिया में 600 लोगों का कोटा 1 महीने का होता है, और अभी ये अनलिमिटेड, अभी चाहे तो 600 को एक साथ भी कर सकते हैं, जबकि इंडिया में और भी सेंटर्स हैं। सो दोस्तों, जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, इन 4 चीजों का लाभ लेना चाहते हैं, वो डेफिनेटली जल्द से जल्द ऑफिस में आए, विजिट करें, अप्लाई करें और आगे इन सुविधाओं का लाभ लें। दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अभी तक की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनियां डेफिनेटली इस इतनी बड़ी कंपनी में जो लोग ड्रीम करते हैं, और ऐसी और भी टॉप कोस्ट कंपनी है जहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं। आज के डेट में अगर हमारे पास में और भी लोगों का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो जिनका, वो हमारे पास में आए अप्लाई करना चाहे तो उनका भी हम सेम कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, अगर हमारे पास में 1, 2 या 3 दिन के अंदर उनके सर्टिफिकेट आते हैं, SSC ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट उनका भी इस कंपनी में हो सकता है। सो दोस्तों, जो लोग भी इसका लाभ लेना चाहें टीम को कॉन्टेक्ट करें, जिनको जो वीडियो जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं। और प्रोसेस के लिए एग्रीमेंट करना कंपलसरी है, पहले थोड़ा हम रिलैक्सेशन रखते थे लेकिन अभी कंपलसरी है, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं कि कई लोगों ने इस चीज पर वर्कआउट किया, एग्रीमेंट की बात चीजें कंप्लीट नहीं की, और एक कैंडिडेट तो सेंटर से वापस आ गए थे, तो अभी फिलहाल एग्रीमेंट करना कंपलसरी है, एग्रीमेंट करके जाएंगे, उसके बाद आगे जो प्रोसेस होगी उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, तभी आगे की चीजें होने वाली है। सो दोस्तों, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, क्राइटेरिया में आते हैं और डेफिनेटली एक अच्छा सिक्योर करियर बनाना चाहते हैं सिंगापुर में, वो लोग हमारे ऑफिस में आए, विजिट करें, सिर्फ फोन से काम नहीं होगा, ऑफिस आके विजिट करना होगा, एग्रीमेंट करना होगा, उसके बाद आगे की चीजें आगे होती जाएंगी स्टेप बाय स्टेप,
31 जुलाई से पहले हमारे पास में 400 लोगों का जो हमें कोटा मिला हुआ है, वैसे तो बाकी तो अनलिमिटेड है, लेकिन जो वहाँ पर कैपेसिटी होती है फूड के लिए, अकोमोडेशन के लिए और जो रुकने की व्यवस्था होती है उसमें लिमिटेड कोटा रहता है। तो वैसे हमारे पास अनलिमिटेड कोटा है, उसमें से हम 200-400 लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले। जो जितनी जल्दी आएगा उसके हिसाब से काम होगा, फीफो बेस पर काम होगा, जो जैसे जल्दी आएगा वैसे उसका काम क्लोज होता जाएगा, और जैसे भी 400 का नंबर क्लोज हो गया उसी दिन हम अनाउंसमेंट कर देंगे कि हमारा कोटा क्लोज हो गया। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं ऑफिस विजिट करें, सिर्फ फोन पर इंक्वायरी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन ऑफिस जल्द से विजिट करेंगे तो उनका काम हो सकता है। दोस्तों वीडियो जो जिन लोगों को, जिनका सागर भाई और आयुष भाई को एक बार दोबारा शुभकामनाएं, ट्रिपल बी टीम को शुभकामनाएं, जिन लोगों ने इस पूरी प्रोसेस में मेहनत करके इस बहुत महान अचीवमेंट पे जो काम किया, इस जो उपलब्धि हमारे पास आई है इसके लिए जिन लोगों का सहयोग रहा उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सागर भाई और राजेश भाई दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।